आज की हमारी क्लास में सिद्दीकी जी के साथ हम एक डेमो के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जैसे कि सिद्दीकी जी ने बताया, इसी पे हम एक प्रॉब्लम है सोल्यूशन करते हैं। मेरे पास डेटा 3 सीटों में है, 3 भी है फिलहाल, 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि इस आईडी के बिहाफ पे मुझे नेम और बाकी डिटेल्स मुझे चाहिए। तो जैसे सिद्दीकी जी ने बताया कि 1 सीट से हो तो हम लोग वी लुकअप लगा लेते हैं, राइट। जी तो वी लुकअप हमने लगाया, D1 में गए, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, comma 2, comma 0 कर दिया, हो गया। लेकिन ये क्या है कि सब पे काम नहीं करता है, क्योंकि देखिए 60, 35, 63 किसी और शीट में था। किसी में 42 कर देता हूँ तो किसी और शीट में है, या मैं 45 कर देता हूँ तो किसी और शीट में है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए 2 सोल्यूशन है कि आप यहाँ इफ एरर यूज कर सकते हैं। इफ एरर में आप 2 VLOOKUP लगा सकते। तो हमने यहाँ पे VLOOKUP D लगाया और इस बार हम दूसरे शीट से, शीट 2 से, हम इसको D2 से लगा रहे हैं, comma 2, comma 0 एंटर मार रहे हैं। अब जो मेरे पास रिजल्ट आया वो 2 शीट से आया, तो इफ एरर ने क्या किया, इस VLOOKUP को रन किया। अगर इस VLOOKUP ने डेटा दे दिया तो इसी को रहने दिया, अदरवाइज वो दूसरे वाले VLOOKUP को उसने शो कर दिया। ठीक है सर जी। जी अब इसको ड्रैग करते हैं तो 2 शीट तो हो गया हमारा, लेकिन तीसरा शीट से भी डेटा नहीं आया है। तीसरा शीट से डेटा अभी भी नहीं आया है, वो कैसे होगा, तीसरे शीट का डेटा कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे एक और वी लुक, एक और इफ एरर लगाए और फिर इसके आगे एक और वी लुकअप लगा दो। तो 2 सीटों तक तो सही था, 3 सीट तक तो चलो आपने एडजस्ट कर लिया, लेकिन 4, 5, 7, 8, 10 सीट हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना सर क्या। जी जी सर तो उस केस में हम एक काम कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, इस मेथड को यूज ना करते हैं, हम मेथड यूज करेंगे पावर क्यूरी का। ठीक है सर, पावर क्यूरी। तो पावर क्यूरी के लिए हम डेटा में जाते हैं और इस पहले पहले वाले डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे गेट डेटा में फ्रॉम फाइल की जगह पे फ्रॉम अदर सोर्स दिख रहा होगा, इसमें टेबल रेंज को सिलेक्ट करके हम ओके करते हैं, यहाँ यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेरी राइटर में आ गया पहली चीज। फिर हम दूसरे शीट पे, यहाँ में हैंग हो रहा है, सॉरी ये शो हो गया, मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ। हमने वापस टेबल 2 पे गए, सिलेक्ट किया टेबल 2 और यहाँ डेटा में सेम फ्रॉम अदर सोर्सेस फ्रॉम टेबल क्लिक किया एंड ओके कर दिया। इसको भी एक बार हम यहां से कीप कर देते हैं, या डायरेक्ट हम यहां से भी यहां से भी लेके आ सकते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, हमने गलत कर दिया था। आप डायरेक्ट पावर क्वेरी से भी लेके आ सकते हैं, यहां से अपना डेटा फॉर्म टेबल। सबसे पहले हमको तीनों को एक बार इकट्ठा रखना पड़ेगा, ठीक है। जी तो यहाँ पे आपके सामने हो गई और डेटा आ गया। अब तीसरा है हमारे पास, उसको भी हम एक बार कर लेते हैं। न्यू सोर्स दिख रहा है ना यहाँ पे, न्यू सोर्स में फाइल फ्रॉम डेटाबेस अदर सोर्सेस में फॉर्म में नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है। ओके, फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं, वापस कीप कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आपको, लेकिन क्या ये आपका फिक्स हो जाता है। तो एक तरीका और बताऊंगा जिससे आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो इसको हमने लिया और वापस हमने इसको गेट डेटा
और यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज और हम यहाँ पे फ्रॉम टेबल कर देते हैं एंड ओके। तो ये सारा हो गया। उसके बाद या ऊपर देखिए आता है मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी आया, मर्ज क्यूरी एज ए न्यू नहीं मर्ज क्यूरी इसी पर रखते हैं। मर्ज क्यूरी एज ए यहाँ पे मर्ज क्यूरी में अब यहाँ पे मेरे पास जो क्यूरी है एक से ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे टेबल वन इसकी आईडी को लिंक कर लिया और इस सीरियल नंबर, ये दो लिंक हो गई एंड ओके। उसके बाद हमने वापस मर्ज क्यूरी किया सीरियल नंबर और हमने बोला कि टेबल टू का आईडी, टेबल थ्री का आईडी एंड ओके कर दिया। वापस मैंने मर्ज क्यूरी पे क्लिक किया सीरियल नंबर और ये आपका टेबल फाइव और इसकी आईडी ओके कर दिया। अब यहाँ पे टेबल वन का क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको टेबल टू का क्या क्या चाहिए, टेबल थ्री का क्या क्या चाहिए वो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए और यहाँ भी आप कर सकते हैं टेबल फाइव का। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि जिसमें डेटा नहीं था वो ब्लैंक हो गया, ठीक है सर। तो जी, ये जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं, नहीं हुआ ना। तो इसका एक और तरीका हमारे पास है कि हम ए टेबल सेवन जो है वो ना करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास एक होता है अपेंड क्यूरी। अब इसको इसको एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं एक बार इस सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अपेंड क्वेरी अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है और उसमें आपकी सारे शीट एक जगह पे कंबाइन होकर आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे कि हमें यहाँ पे आना है डेटा में, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और ये एक्सेल फाइल है ना इसी को सेलेक्ट कर लीजिए। ई में ट्रिपल डीडी का है एंड इम्पोर्ट। अभी तीनों शीट आ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल शीट D1 D2 D3 आ गया। यहाँ पे जी लोड के नीचे आपको आएगा यहाँ पे लोड टू। लोड टू करने से क्या होगा कि आप जो है ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो एक कनेक्शंस क्रिएट और सिर्फ हुआ, हो गया सर। अब आपको यहीं पे किसी पर राइट क्लिक करके आप जो है इसकी एडिट पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी पे आ जाए। तो तीनों क्यूरी तीनों सीट एक ही बार में लिंक हो गया, यहाँ पे आ गया, एक एक करके लाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो है आप यहाँ मर्ज क्यूरी के नीचे आता है अपेंड क्यूरी। अपेंड क्यूरी में थ्री मोर टेबल में जाए और वन बाय वन तीनों टेबल को रिमूव कर देता हूँ, तीनों टेबल को रख दीजिए देन ओके। अब यहाँ देखिए जैन फैब मार्च जो है तीनों टेबल का यहाँ इकट्ठा आ गया सर, 60 तक आ गया सर। अब इसको लोड एंड क्लोज कर दीजिए। सिक्सटी कौन आ गए, इसमें डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद एक नई डेटा में अब यहाँ पे गेट डेटा में न जाके यहाँ आपके पास आता है एग्जिस्टिंग रिसोर्स या एग्जिस्टिंग कनेक्शन, उसमें आप डी क्यूरी डी वन को सिलेक्ट करें और ओपन कर दें। और यहाँ पे टेबल फॉर्मेट चाहिए या टेबल 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 चाहिए हमें, टेबल फॉर्मेट में कर दिया, यहाँ पे आपका आ गया। अब आप इसमें वी लुकअप लगा लें, ठीक है। तो अब इस पे आप VLOOKUP लगा लें, VLOOKUP इसको सेलेक्ट किया और सीट फाइव 2,0,
ठीक है सर। जी अब इसमें एक खासियत और भी है, 63 जो है आपके डेटा में नहीं नहीं है। अगर मैं D3 में यहां पे 63 ऐड कर देता हूं, D2 में ऐड कर देता हूं, माफ कीजिएगा, 63, और ठीक है, तो आपको बस डेटा में आके एक बार रिफ्रेश करना है, यहाँ डेटा मेनू बार में ये आपको दिखेगा रिफ्रेश ऑल, अब आगे 63 सेम नहीं किया था, सेम करके रिफ्रेश करना होता है, ठीक है सर। अब ये जी जी अलग अलग सीट था या अलग अलग फाइल भी हो सकता था, तो आप वीलुकअप में इफ एरर यूज करें या मर्ज क्यू यूज करें या फिर आप यूज करें ये अपना पावर क्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी ट्राई कीजिएगा ठीक सर और कल से हम मिल रहे हैं इसी टाइम पे, ठीक सर ठीक।